एक राजा जिसके पास सब कुछ था, धन दौलत, प्रजा का प्यार, मान सम्मान, लेकिन इन सब के अलावा उसके पास कुछ और भी था जो बहुत कीमती था और राजा को जान से भी ज्यादा प्रिय। वो थी राजा की एक सुंदर सी बिटिया, जो सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान भी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजकुमारी बड़ी हो गई। नगर में दूर दूर तक राजकुमारी की खूबसूरती और सूझबूझ के किस्से प्रसिद्ध हो गए थे, जिसके कारण आए दिन राजा के पास राजकुमारी के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ से विवाह के प्रस्ताव आने लगे और साथ ही धमकियां भी। राजा कमजोर और बूढ़ा हो चुका था, तो उसे अपनी बेटी की चिंता होने लगी कि कहीं कोई दुश्मन आक्रमण करके उसकी बेटी को उठा न ले जाए। लेकिन राजा ने सोचा, क्यों ना वर ढूंढने से पहले एक बार राजकुमारी की भी राय जान लूं। जब राजा ने राजकुमारी से इस बारे में पूछा तो काफी सोच विचार करने के बाद राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, जो व्यक्ति मेरी पसंद का दीपक ला देगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। अगले दिन राजा ने राजकुमारी की शर्त के साथ स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर का दिन भी आ गया। हाथ में दीपक लिए हुए युवकों की लंबी लंबी कतारें लग गई। कोई युवक राजकुमार था तो कोई नगर सेठ, कोई साहूकार था तो कोई साहसी बहादुर। सबके पास तरह तरह के दीपक थे, छोटे बड़े, सोने चांदी के, हीरे जवाहरात के, जगमगाते सुंदर नक्काशी वाले। जो जितना महंगा और भारी दीपक लाया था, उसके गर्दन और थाट उतने ही ऊंचे आसमान को छू रहे थे। स्वयंवर शुरू हुआ और राजा का आशीर्वाद लेकर राजकुमारी ने सबके दीपक देखे और एक एक को निहारती हुई राजकुमारी कतार के अंत तक जा पहुंची। मगर अब तक उसको अपनी पसंद का दीपक नहीं मिला था। लेकिन हैरानी वाली बात थी कि लाइन के आखिरी में खड़े युवक के हाथ में कोई दीपक ही नहीं था। तो राजकुमारी ने उस युवक से पूछा, क्या आप भी स्वयंवर में आए हैं? युवक ने जवाब में कहा, हाँ। तो इस पर राजकुमारी बड़े आश्चर्य में पूछ पड़ी, तो फिर आप अपने साथ दीपक नहीं लाए? युवक ने दाएं बाएं देखा, थोड़ी सी गीली मिट्टी उठाकर एक गोला बनाया और फिर उसे बाएं हाथ में लेकर अपनी दाई कोहनी से दबा दिया। मिट्टी का दीपक तैयार हो गया। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए वरमाला उस युवक के गले में डाल दी। दोस्तों, दीपक का काम प्रकाश देना है, फिर चाहे वो सोने का हो या मिट्टी का। जिस समय प्रकाश की जरूरत होगी, तब क्या हम सोने या चांदी का दीपक ढूंढने और खरीदने निकलेंगे? नहीं, राजकुमारी को कीमती दीपक की जरूरत नहीं थी। दरअसल वो तो सिर्फ प्रतिभा और दूरदर्शिता की परीक्षा ले रही थी। राजकुमारी की बुद्धिमानी देखकर राजा बहुत खुश हो गए और अपनी बिटिया को पूरे गाजे बाजे के साथ धूमधाम से खुशी खुशी विदा कर दिया।